नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए लेकर हर दिन आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो मार्च के बाद नहीं चलेंगे पुराने 100, 10 और 5 रुपए के नोट, आरबीआई का बड़ा ऐलान। जी हां, आरबीआई ने बताया है कि मार्च के बाद से पुराने 100, 10 और 5 रुपए के नोट चलन में नहीं रहेंगे। जानकारी के अनुसार मार्च अप्रैल के बाद ये सभी पुराने नोट बाजार से बाहर हो जाएंगे। ये जानकारी आरबीआई के अधिकारी बी महेश की तरफ से दी गई है। ये खबर आपको सीधे प्रभावित कर सकती है, हालांकि घबराने की कोई बात नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन सभी 100, 10 और 5 रुपए के पुराने नोटों को वापस लेने की योजना में काम कर रही है, जिससे आगे लोगों को कोई परेशानी न हो। आरबीआई के अधिकारी असिस्टेंट जनरल मैनेजर बी महेश ने बताया है कि 100, 10 और 5 रुपए पुराने नोट चलन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि रिजर्व बैंक मार्च अप्रैल में इन्हें वापस लेने की योजना बना रहा है। हालांकि 100, 10 और 5 रुपए के नए नोट भी पहले ही सर्कुलेशन में हैं। आरबीआई ने 10 रुपए के सिक्कों को लेकर किसी भी तरह की अफवाह से बचने की सलाह दी है। 10 के सिक्के पूरी तरह से मान्य हैं। कभी कभी जिन सिक्कों पर रूपी का चिन्ह नहीं होता है, उस सिक्के को दुकानदार लेने से मना कर देते थे, लेकिन आरबीआई ने साफ कर दिया है कि ये पूरी तरह से मान्य है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मिसाइल पावर में भारत ने लगाई लंबी छलांग, चीन पाकिस्तान से में हमचा हड़कंप। जी हां, आज के वर्तमान समय में भारत की मिसाइल पावर तेजी से के साथ बढ़ रही है। भारत दुनिया के उन देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है जिनके पास लंबी दूरी के घातक परमाणु मिसाइल मौजूद हैं। आज इसी विषय में एक रिपोर्ट के मुताबिक जानने की कोशिश करेंगे भारत की मिसाइल रैंकिंग के बारे में। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत मिसाइल पावर हासिल करने में 5वें नंबर पर पहुंच गया है। भारत दुनिया का एक ऐसा देश बन गया है जिसके पास लगभग सभी प्रकार की परमाणु मिसाइलें मौजूद हैं। इस लिस्ट में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और भारत का नंबर आता है। बता दें कि वर्तमान में भारत के पास 7 परमाणु सक्षम मिसाइलें मौजूद हैं, जिनमें 2 विमान, 4 जमीन पर चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें और 1 समुद्र में स्थित बैलिस्टिक मिसाइलें। इसका इस्तेमाल भारत की तीनों सेनाएं कर सकती हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मिसाइल पावर हासिल करने की लिस्ट में भारत कई देशों से आगे निकल चुका है। पिछले कुछ सालों में भारत ने कई तरह की घातक मिसाइलों का टेस्ट किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी हासिल करके भारत ने मिसाइल पावर में लंबी छलांग लगाई है। इससे चीन और पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी बनवाने के नियमों में इन राज्यों ने किया फिर से बदलाव। जी हां, ड्राइविंग लाइसेंस और उससे जुड़ी कई सेवाएं कुछ राज्यों में बदल गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों में लर्निंग लाइसेंस और गाड़ियों के पंजीयन यानी कि आरसी के लिए नए नियमों को लागू कर दिया गया है। वहीं कुछ राज्यों में अब सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। बिहार, यूपी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली NCR में ये सुविधा शुरू हो गई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने अब हर जिले में ड्राइविंग सेंटर खोलने का फैसला किया है। सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर पिछले साल ही इन राज्यों के परिवहन विभाग को निर्देश जारी किए गए थे। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब आसान होता जा रहा है। देश के तकरीबन सभी राज्यों की परिवहन विभाग ने लर्निंग लाइसेंस के लिए फीस जमा करने की व्यवस्था में बदलाव किया है। अब नई व्यवस्था के तहत स्लॉट बुक होते ही लर्निंग लाइसेंस के लिए पैसे जमा करना पड़ रहा है। पैसे जमा करते ही जांच परीक्षा के लिए तारीख भी अपनी सुविधा के मुताबिक मिल रही है। बिहार जैसे राज्यों में अब लर्निंग लाइसेंस आवेदक को टेस्ट होने के बाद लर्निंग लाइसेंस के लिए जिला परिवहन कार्यालय में इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। आवेदक कहीं से भी ऑनलाइन प्रिंट ले सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सब्जियों के बाद अब महंगी होने लगी है दाल चावल से लेकर आटा तेल तक की कीमत। इतने रुपए बढ़ गए हैं दाम। जी हां, महंगी दालों और सब्जियों ने पहले ही आम आदमी के किचन का बजट बिगाड़ के रखा हुआ है। ऐसे में अब तेल, चावल और चाय की पत्ती के दामों में भी इजाफा देखने को मिला है। उपभोक्ता मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर नए दामों की लिस्ट जारी करते हुए ये जानकारी शेयर करी है। खुदरा बाजार में इस दौरान केवल आलू, टमाटर और चीनी के भाव गिरे हैं। पिछले कुछ दिनों में डीजल के दाम भी तेजी से उछाल आया है, जिसमें महंगाई और अधिक बढ़ सकती है। उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए खुदरा केंद्रों के आंकड़ों के मुताबिक पाम तेल 107 रुपए से बढ़कर करीब 112 रुपए, सूरजमुखी तेल 132 से 141 रुपए और सरसों का तेल 140 से करीब 147 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। अगर दालों की बात करें तो दाल में मामूली इजाफा हुआ है। साथ ही चाय की बात करें तो इसके दाम थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। खुली चाय पत्ती हाल ही में 9% बढ़कर 246 से 259 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं पैकिंग वाली चाय की पत्ती पर प्रति किलो 50 से 150 रुपए तक दाम बढ़े हैं। प्रीमियम कैटेगरी की चाय में 300 रुपए से ऊपर वाली खुली पत्ती के दाम भी करीब डेढ़ गुना है।
साबुन, दंत मंजन जैसे सामान पर भी आपकी जेब ढीली हो सकती है। इतना उत्पादन करने वाली कंपनियां कच्चे माल के दाम बढ़ने की वजह से अपने उत्पादों के दाम बढ़ाने पर विचार कर रही हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वायुसेना के पायलट का दावा, भारत के पास सबसे तेज और एडवांस रफेल, दुश्मन को एक कर सकता है पल भर में तबाह। जी हाँ, भारतीय वायुसेना के रफेल लड़ाकू जेट पायलट और स्क्वाड्रन लीडर सार्थक कुमार ने शनिवार को जोर देकर कहा कि वायुसेना रफेल जेट के अपने बेड़े के साथ लेह से कन्याकुमारी तक किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। हाल ही में जोधपुर के अंदर भारत और फ्रांसीसी सेना के बीच युद्ध अभ्यास हुआ है। इस युद्ध अभ्यास में रफेल विमान ने अपना पराक्रम दिखाया है। इसके बाद पायलट ने बताया कि रफेल बेड़े किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए तैयार है। रफेल न केवल देश के विभिन्न हिस्सों में बल्कि दुनिया भर में ऑपरेशन करने में सक्षम है। ये उन सभी कार्यों को पूरा करने में सक्षम है जो कोई चौथी या पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान कर सकते हैं। रफेल पायलट ने जब ये पूछा गया कि क्या हमारे भारतीय रफेल अपनी फ्रांसीसी समकक्षों की तुलना में अधिक उन्नत थे, तो उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना के रफेल अब तक के सबसे तेज और सबसे उन्नत हैं। स्क्वाड्रन लीडर कुमार ने आगे कहा कि रफेल विमान चीन और पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों से काफी बेहतर और उन्नत है। रफेल अपने दुश्मनों को पल भर में तबाह कर सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जनता को राहत देने की तैयारी, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाएगी सरकार। जी हां, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। मोदी सरकार भी जनता के इस दर्द को समझ रही है। खबर है कि मोदी सरकार पेट्रोलियम पदार्थों पर एक्साइज ड्यूटी घटाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो ये महंगाई से करा रही जनता के लिए बड़ी राहत होगी। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान पर हैं। दिल्ली में पेट्रोल 85 रुपए और डीजल 75 रुपए लीटर पार हो चुका है। मुंबई में तो हालात और भी खराब हैं, जहां पेट्रोल 92 रुपए लीटर बिक रहा है तो डीजल भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। इस बीच मोदी सरकार एक्साइज ड्यूटी घटाने की सोच रही है। पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय इस बात की सिफारिश पहले ही कर चुका है। माना जा रहा है कि जल्द ही एक्साइज ड्यूटी में कटौती का ऐलान किया जा सकता है, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमतें में भारी कमी आएगी और आम आदमी को राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने वापस लिए कृषि कानून, तो 15 वर्षों तक कोई सुधार का साहस नहीं करेगा। जी हां, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने कहा कि अगर नए कृषि कानूनों को निरस्त किया जाता है तो कोई भी सरकार अगले 10 से 15 वर्षों में इन्हें फिर से लाने का साहस नहीं करेगी। उन्होंने केंद्र सरकार और किसानों के बीच कायम गतिरोध को अहम का टकराव करार दिया है। विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के हजारों किसान नए कृषि कानूनों को रद्द करने और अपनी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए सरकार से कानूनी गारंटी देने की मांग के साथ राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अब ये अहम का प्रश्न बन गया है, हमें किसी तरह इस अहम को छोड़ने और कृषि क्षेत्र के व्यापक हित को देखने की जरूरत है। चंद ने कहा कि अब अगर इन सुधारों को निरस्त किया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि अगले 10 से 15 वर्ष तक कोई भी इस प्रकार के सुधारों को लाने की हिम्मत करेगा। नीति आयोग के सदस्य ने कहा कि यदि ऐसा होता है तो ये किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए बहुत हानिकारक होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत बायोटेक की नाक से जी जाने वाली वैक्सीन के पहले चरण के ट्रायल को मिली मंजूरी। जी हां, भारत बायोटेक ने कोरोना वैक्सीन को लेकर एक और बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल देश के दवा नियामक सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के विशेषज्ञों की समिति ने नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन के पहले चरण के ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी है, जिसे भारत बायोटेक ने विकसित किया है। कंपनी ने हाल ही में दवा महानियंत्रक को चिट्ठी लिखी थी और नेजल वैक्सीन के लिए पहले और दूसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी मांगी थी। एक अधिकारी ने बताया कि अगर ये वैक्सीन कारगर हुई तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। भारत बायोटेक के मुताबिक शुरुआत में नाक में से दी जाने वाली इस वैक्सीन का ट्रायल पुणे, नागपुर, भुवनेश्वर और हैदराबाद जैसे शहरों में किया जाएगा। कंपनी नागपुर में एक अस्पताल से ट्रायल को लेकर पहले ही करार कर चुकी है। इस वैक्सीन में सबसे खास बात यह है कि नाक के जरिए दी जाने वाली ये वैक्सीन कोरोना की एकल खुराक वैक्सीन है, यानी कि एक खुराक में ही कोरोना खत्म हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने शोध में पाया है कि नाक से दी जाने वाली वैक्सीन कंधे पर इंजेक्शन के जरिए दिए जाने वाले टीके के मुकाबले अधिक प्रभावी होती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस मिसाइल टेस्ट ने भारत को बनाया सुपर पावर, खासियत जानकर दुश्मनों के उड़ जाएंगे होश। जी हां, एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया में तेजी के साथ विकसित होने वाले देशों की लिस्ट में शामिल है। भारत की आर्थिक और सैन्य ताकत में भी दिन प्रतिदिन तेजी के साथ बढ़ोतरी हो रही है। आज आपको एक ऐसी मिसाइल टेस्ट के बारे में बताएंगे जिसने भारत को सुपर पावर देश बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट ने भारत को उस देशों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया है जिस लिस्ट में अमेरिका, रूस और चीन था। इस मिसाइल टेस्ट में भारत को वो ताकत हासिल हुई है जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट उड़ाने की क्षमता रखता है। भारत के इस मिसाइल टेस्ट से भारत के दुश्मनों की बोलती बंद हो गई है तथा भारत दुनिया के सुपर पावर देशों की लिस्ट में शामिल हो गया था। इतना ही नहीं, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटेड व्हीकल यानी कि HSTWDV का सफल टेस्ट भी भारत को दुनिया के ताकतवर देशों की लिस्ट में शामिल कर दिया है। बता दें कि HSTDV टेक्नोलॉजी के द्वारा भारत अब दुनिया में
सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइल बना सकता है। भारत आने वाले समय में बहुत जल्द हाइपरसोनिक मिसाइल भी तैयार कर लेगा। आपको लेकर भारत के इंजीनियर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अगर आप भी भारत की इस बढ़ती ताकत से खुश हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 30 जनवरी से पहले कर लेंगे जरूरी काम, नहीं तो रद्द हो सकते हैं राशन कार्ड। जी हां, केंद्र सरकार की कार्रवाई के बाद देश के अनेक राज्यों में राशन कार्ड बनाने का काम इस समय चल रहा है। ऐसे में अगर किसी का राशन कार्ड बंद या रद्द कर दिया गया है या फिर किसी कारणवश अभी तक नहीं बन पाया है तो ऐसे लोग 30 जनवरी तक अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं उत्तराखंड में, जहां जिला आपूर्ति कार्यालय से ये काम हो जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। अगर फिर भी कागज दुरुस्त नहीं रहे तो राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट वन नेशन वन राशन कार्ड के देश में लागू किया गया है, जिसके कारण कई अवैध राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया है। लेकिन अगर जिन लोगों ने जरूरी कागज नहीं जमा करवाए उनका राशन कार्ड रद्द हो गया है, ऐसे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग आपूर्ति विभाग के संपर्क करके अपने राशन कार्ड को फिर से चालू करवा सकते हैं। साथ ही देश भर में राशन कार्ड बनाने का काम चल रहा है। ऐसे में अगर किसी का राशन कार्ड नहीं बना है या फिर नया नाम जुड़वाना है तो आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। दोस्तों, आज की खबरों बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।